जी रास्ते में आप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी देख सकते हैं, ये ब्रिज के बिल्कुल नीचे देख रहे हैं, फुटबॉल सी ग्राउंड बनी हुई है बच्चों के लिए। ये बड़ा अच्छा इकदाम था हमारे जो DCO साहब हैं उनका। तो ये अब हम आ रहे हैं जी, अब डिफेंस रोड की तरफ जा रहे हैं। ये जी जैसे ही तो हीट टाउन के हम करीब पहुँचे हैं, यहाँ भी एक मार्केट है आप देख सकते हैं, राइट और लेफ्ट पे इलेक्ट्रॉनिक्स की कुछ दुकानें हैं, कुछ जनाब तंदूर वगैरह भी है, और ये देख रहे हैं मिल्क शॉप भी है यहाँ पे, सब्जी वाली शॉप भी है, किराना स्टोर्स है, ये देख रहे हैं सारा। ये जी हम वापस 2 पे आ गए हैं, ये देख रहे हैं स्ट्रीट नंबर 2, और ABC उन्होंने बोला था। जारी मस्जिद है ये, पहले भी मैंने दिखाई थी, तो हीट टाउन की एक ही मस्जिद है ये पूरे कॉलोनी के अंदर जी, बड़ी प्यारी मस्जिद है ये देख रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं उमेर भट्ट एक नए ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। व्यूवर्स उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ जी, एक व्यूवर ने बड़ी देर पुरानी हमें रिक्वेस्ट की हुई है कि हमें तो हीट टाउन लेकर जाएँ, और ख़ास ख़ास गलियाँ भी उन्हें बताई हैं, इंशाल्लाह जाके आज उनको उनकी जो रिक्वेस्ट है वो पूरी करते हैं। थोड़ा माजत चाहूँगा कि लेट हो गया, लेकिन देख लें आपकी रिक्वेस्ट पूरी करने के लिए आज हम जा रहे हैं। तो आपने ब्लॉग पूरा देखना है, तो आइए अब चलते हैं जी तो हीट टाउन। व्यूअर्स जिस टाइम मैं पहुंच चुका हूं कश्मीर रोड, और यहां से हम जाएंगे डिफेंस रोड पे। ये आप सामने देख सकते हैं ये कश्मीर रोड है, और इस पर मैंने काफ़ी दफ़ा इस पर ब्लॉग भी किया हुआ है, क्योंकि ये सियालकोट की बड़ी मेन रोड है जी कश्मीर रोड। यहां से हम जा रहे हैं अब डिफेंस रोड पे, और वहां पे है जी तोहीद टाउन, क्योंकि आपको पता है जी हमारे आउट ऑफ कंट्री से एक व्यूअर्स हैं मुगल साहब, उन्होंने जनाब हमें रिक्वेस्ट की थी, तो मैंने कहा चलें काफ़ी पुराना, बहुत पुरानी उनकी रिक्वेस्ट थी, आज पूरी करते हैं। तो ये सुभाष शरीफ ओवरहेड ब्रिज से हम जा रहे हैं जी। अब ये मैक टाउन पे भी हमने लेफ्ट साइड पे ये जो मैक टाउन है इस पर हमने ब्लॉग किया था, वो भी आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, ये मैक टाउन है। तो आज हम जाएंगे तोहीद टाउन, तो पहले भी इस पर ब्लॉग किया था, लेकिन आज उनकी रिक्वेस्ट है जी, कुछ स्पेशल एक दो गलियाँ हैं वो उनको दिखाएँगे। तो बस हम कुछ ही लम्हे में पहुँचने वाले हैं जी, आगे से हम डिफेंस रोड टर्न लेने लगे हैं। व्यूअर्स जी रास्ते में आप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी देख सकते हैं, ये ब्रिज के बिल्कुल नीचे देख रहे हैं, फुटबॉल सी ग्राउंड बनी हुई है बच्चों के लिए, ये बड़ा अच्छा इकदाम था हमारे जो DCO साहब हैं उनका। तो ये अब हम आ रहे हैं जी, जनाब डिफेंस रोड की तरफ जा रहे हैं। फाइनली जनाब हम डिफेंस रोड पहुँच चुके हैं, इसी रोड पर जी तोहीद टाउन है, बस कुछ लम्हे में हम इंशाल्लाह तोहीद टाउन भी पहुँच जाएँगे। ये देख रहे हैं ये रोड जो है डिफेंस रोड कहलाती है, इस पर भी सेपरेट ब्लॉग मैंने किया हुआ है ऑलरेडी। तो अब जैसे तोहीद टाउन आता है फिर चला आपको वो गलियाँ भी दिखाते हैं, तोहीद टाउन भी दिखाते हैं, ये लेफ्ट साइड पे आएगा जी तोहीद टाउन। ले व्यूअर्स फाइनली हम पहुंच चुके हैं तोहीद टाउन, ये आपको दिखाते हैं जी, ये भी गली जाती है, और ये आगे आपको ये मस्जिद नज़र आ रही है ये सामने, इसके साथ भी गली है वो हम ये वाली, ये मस्जिद बहुत पुरानी है। तो यहाँ से हम जनाब अंदर एंटर होंगे, मस्जिद के बिल्कुल साथ गली है ये देख रहे हैं, हॉट केक बेकरी भी मिलेगी आपको यहाँ पर बड़ी मशहूर। तो ये हम आगे जाएंगे तो ये तोहीद टाउन हम एंटर हो जाएंगे जी, ये देख रहे हैं ये शुरू में बाज़ार वगैरह आता है, ये सारी मार्केट आप देख सकते हैं। तो आगे जनाब गली नंबर हमने 2 में जाना है, गली नंबर 4 में जाना है जी, आप देखते हैं आगे जाके गलियाँ। तोहीद टाउन थोड़ा सा आगे है, ये शुरू में भी आपको काफ़ी ज़्यादा ये घर वगैरह मिलेंगे, लेकिन तोहीद टाउन जो बना हुआ है वो आगे है जी, ये फिल्टर प्लांट भी मिलेगा आपको यहाँ पर, देख रहे हैं बच्चे पानी भर रहे हैं यहाँ पर। तो बस जैसे ही हम आगे तोहीद टाउन पहुंचते हैं तो इंशाल्लाह आपको गली नंबर भी दिखाएंगे, गली नंबर 2 है, गली नंबर 4 है, और गली नंबर 10 भी गालबन उन्होंने बताया हमें। तो चलें, मेरा मकसद सिर्फ ये है कि जी प्रदेश में जो बैठे हैं उनको जनाब हम उनको अच्छे तरीके से उनका जो इलाका है वो दिखा सके। ये जी जैसे ही तोहीद टाउन के हम करीब पहुँचे हैं, यहाँ भी एक मार्केट है आप देख सकते हैं, राइट और लेफ्ट पे इलेक्ट्रॉनिक्स की कुछ दुकानें हैं, कुछ जनाब तंदूर वगैरह भी है, और ये देख रहे हैं मिल्क शॉप भी है यहाँ पे, सब्ज़ी वाली शॉप भी है, किराना स्टोर्स है, ये देख रहे हैं सारा। ये तो ये बिल्कुल हम जनाब तोहीद टाउन जो है एंटर होने लगे हैं, मेरे लेफ्ट साइड पर जैसे ही हम मुड़ेंगे तो वो सामने तोहीद टाउन आपको नज़र आ रहा है जी। तो हम गली नंबर 2 गली नंबर 4 देखते हैं जाके, ये जी एंट्रेंस है मेन, जैसे ही आगे आए हैं तो जनाब हम देखते हैं जी ये मेन बुलेवार्ड कह सकते हैं आप इस कॉलोनी की तोहीद टाउन की, रोड्स भी आप देख सकते हैं काफ़ी खुली हैं, और मैं पहले भी आया था इस पर ब्लॉक किया था, ये देखिए अब स्ट्रीट नंबर 1 आ गई है, स्ट्रीट नंबर 2 बोला गया था दोस्त की तरफ से, ये देख रहे हैं यहाँ हम जाते हैं जी स्ट्रीट नंबर 2 में, ये देखिए ये है जी स्ट्रीट नंबर 2 जहाँ हम अपने व्यूवर्स की रिक्वेस्ट भी आए हैं।
तो इसमें आगे कोई पार्क वगैरह तो नहीं है, बस इसी तरह ही घर बने हुए हैं, 8 मरला 10 मरला मेरा ख्याल है या 5 मरले के हैं। तो ये देखिए ये सारा जनाब, ये आगे स्ट्रीट नंबर B2 भी आ गई है, BA भी उन्होंने कहा था शायद साल भर, देख रहे हैं जी, यानी मेन स्ट्रीट के साथ आगे BC लिंक भी करता है, जैसे ये है देख रहे हैं, ये आगे जाके लिंक करेगा, ये सारे घर ही घर हैं जी यहाँ पे, ये देखें जनाब यार, यानी आगे जाके दोबारा ये मेन रोड की तरफ निकल आएगा। तो अभी हम A से एंटर हुए थे, तो अभी दोबारा जाते हैं जी वापस, इंशाल्लाह दिखाते हैं उनको जो जो उन्होंने स्ट्रीट्स बोली हैं, अब दोबारा मेन बुलेवार्ड पे आ जाएंगे जी। हम वापस 2 पे आ गए हैं, ये देख रहे हैं स्ट्रीट नंबर 2, और ABC उन्होंने बोला था, अब देखते हैं जनाब, मुझे तो खुद आगे रोड का नहीं पता चल रहा। अब ये कौन सी है जी, ये भी है एक, देख रहे हैं, और B में हम जाते हैं जी, पहले हम A में गए थे, अब B में जाते हैं, ये देखिए अब स्ट्रीट नंबर B2B, ये आगे से बंद है जी, ये 2B जो है आगे से बंद है, अब 2C में जाते हैं, फिर 4 जाके देखते हैं जी, जो कि मामे रिक्वेस्ट की गई थी स्पेशल, फिर आपको 3 टाउन बताते हैं। ये सी है जी, ये वाली, ये देख रहे हैं आप, ये सारी, यानी आप जब मेन स्ट्रीट से जाएंगे तो आपको अंदर ABC ये स्ट्रीट्स मिलेंगी, तो देख रहे हैं A है ये गारपन, वो पहले हम जो गए थे वो सी थी, ये A है जो अभी आपको दिखा रहा हूँ। तो ये आगे मेन बुलेवार्ड आ जाती है, आगे हम जाते हैं अपनी स्ट्रीट नंबर यानी 4, ये 4 में हम आ चुके हैं इस टाइम, 4A में, या अभी पीछे से गुजरा है, ये देखिए भी आगे से गली हैं जनाब सामने, और ये भी हैं ऊपर, देखिए सोलर्स लगे हुए हैं जी, अब तो सियालकोट में सोलरों की बारिश हुई है जी, हर जगह हर घर में सोलर लग रहा है, बिजली आपको पता है बहुत महंगी हो चुकी है। तो ये जनाब यहाँ की मस्जिद, बहुत ही प्यारी मस्जिद है, ये पहले भी मैंने दिखाई थी, तो हेट टाउन की एक ही मस्जिद है ये पूरे कॉलोनी के अंदर जी, बड़ी प्यारी मस्जिद है, ये देख रहे हैं। अच्छा जी, हमने आपको स्ट्रीट नंबर अब 4 भी दिखा देते हैं कि 4 कहाँ पे है जी, ये देखिए पहले मस्जिद देखें आप, आज तो ही टाउन का इलाका आपको दोबारा दिखाया जी अपने व्यूवर्स की रिक्वेस्ट पे, ये देखिए स्ट्रीट नंबर 6 है, अब स्ट्रीट नंबर हम 4 से एंटर होते हैं जी, ये देखिए ये बाहर बगीचा भी बहुत प्यारा बना हुआ है, बहुत खूबसूरत मस्जिद माशाल्लाह, देख रहे हैं आप। अच्छा जी, हम जाना है स्ट्रीट नंबर 4 में, हम ये स्ट्रीट नंबर 5 है जो आप देख रहे हैं, और अब हम जाएंगे स्ट्रीट नंबर 4, ABC बोला है जी उन्होंने, तो गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है जी, लेकिन ज़ाहिर है अब रिक्वेस्ट थी इनकी बहुत, हर मैसेज आ रहा था हर पहले के उस पर, ये नहीं स्ट्रीट नंबर 4, हर वीडियो पे जनाब मोगल साहब मैसेज करते थे हमारी रिक्वेस्ट का पूरी करेंगे, तो आज इनकी रिक्वेस्ट पूरी कर दी है हमने, ये जी स्ट्रीट नंबर 4 में हम दाखिल हो गए हैं, ये देख रहे हैं ये सारी स्ट्रीट नंबर 4 है, ये A ब्लॉक है जहाँ से हम पहले गुजरे हैं, और ये देखिए जनाब स्ट्रीट नंबर 4 आपको मुकम्मल दिखा रहे हैं लास्ट तक, बड़े अच्छे घर बने हुए हैं, गलियाँ भी ठीक है, यानी पार्किंग आप गली के बाहर कर सकते हैं, ये देखिए ये भी स्ट्रीट से हम गुजरे थे पहले, और ये आज तो मैंने आपको सारी स्ट्रीट्स दिखा दी हैं, अब यहाँ से हम राइट हो जाते हैं, ये देखिए इधर ख़त्म हो रही है, और ये आगे देख रहे हैं गलियाँ, ये जी 4 नंबर स्ट्रीट है, और आगे ABC लिंक करता है जी इस यहाँ पे, ये देखिए इस तरह से सारे ये घर बने हुए हैं। तो आप ऐसा करते हैं जनाब, आपको ओवरऑल दिखाते हैं, 10 नंबर स्ट्रीट भी देखा था उन्होंने बोला था, वो भी देखते हैं जाके, 2 नंबर 4 नंबर हमने कर लिया है, और ये जनाब आगे मेरा हल है मेन आगे जाके आएगा। तो आज के व्लॉग में जी हम आपको 3 टाउन दिखा रहे हैं, देखिए मस्जिद दोबारा आ चुकी है, बड़ी प्यारी मस्जिद, अब चलते हैं स्ट्रीट नंबर 10 में, ये स्ट्रीट नंबर 5 है, अब स्ट्रीट नंबर 10 में चलते हैं, फिल्टर भी लगा हुआ है यहाँ पे। अब व्यूअर्स हम स्ट्रीट नंबर 7 और 8 में आ चुके हैं, अभी 10 हम ढूंढ रहे हैं, वो जी सामने लास्ट पे है जी बिल्कुल 10, अब ये भी जाके देखते हैं, ये 9 11 सारा तो हीट होंगे आपको जनाब ला के दिखा रहे हैं, हम ये देख रहे हैं, और ये स्ट्रीट नंबर 10 ये देखें जी, ये तो यहाँ से ये बंद है, यहाँ पे जाएंगे, ये मेरा इस तरह ही है स्ट्रीट नंबर 10 जो है, तो देख रहे हैं आप,
तो लास्ट है बिल्कुल जी स्ट्रीट नंबर 10, इतना लंबी चौड़ी रोड नहीं थी। तो चलिए आज आपको मैंने ग्रीन टाउन दिखा दी है, तो पहले भी दिखाया था लेकिन चलिए मैंने कहा आज भी दोबारा आपको अपने मुगल साहब की रिक्वेस्ट पूरी की है जी। मुगल साहब आप खुश हैं आप, तो अभी जनाब इंशाल्लाह चलते हैं वापस, क्योंकि ये ग्रीन टाउन आपको आज मैंने गलियाँ भी दिखाई हैं, पहले मेन ही दिखाया था लेकिन आज हम गलियों से भी आपको सारी गलियाँ भी दिखाई हैं जी हमने ग्रीन टाउन की। जी व्यूअर्स अब हम वापस जा रहे हैं, तो मैंने देखा है कि प्लॉट भी अभी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे जो कि फॉर सेल भी हैं, तो अब मुझे रेट का तो नहीं पता लेकिन मैं देख रहा हूँ कि प्लॉट काफ़ी मुझे नज़र आ रहे हैं, तो अब वापस जाते हैं जी और ब्लॉग का एंड करते हैं। देखिए हम वापस अब ग्रीन टाउन से निकलने लगे हैं, ये देख रहे हैं आप, तो जहाँ से हम एंटर हुए थे वहीं से हम वापस जा रहे हैं जी, एग्ज़िट जा रहे हैं। जी व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ मेरा आज का जो ब्लॉग है आपको पसंद आया होगा। आज के ब्लॉग में मैंने आपको ग्रीन टाउन दिखाया है और मुगल साहब की जो रिक्वेस्ट थी जनाब जो स्ट्रीट उन्होंने बोली थी वो भी उनको दिखाई है सारी। तो अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी जो आने वाली वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सके। तो इस दुआ के साथ खुश रहें, आबाद रहें, एक नई और अच्छी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।